लाइफलाइन म्यूजिक के एक एल्बम का रविवार को एक होटल में कंपनी के डायरेक्टर आदिश श्रीवास्तव ने लोकार्पण किया, जिसके संबंध में बताया कि लाइफलाइन के पहले एल्बम साजना को लॉन्च किया गया है। इस एल्बम में शहर के नए उभरते प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। इस एल्बम को गोरखपुर के आसपास तथा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से शूट किया गया है। इस अवसर पर एल्बम के अभिनेता चित्रेश गुप्ता, अभिनेत्री रिनी सिंह, त्रिशा मिश्रा, रिया सिंह, धानी गुप्ता, सेवा भारती के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर राजेश चंद्र गुप्त विक्रमी, गीतकार प्रदीप सतदेव, शैवाल शंकर, डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, कनिष्क कुमार, सुनील कुमार गुप्ता, भानु प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में से बात करते हुए एल्बम के डायरेक्टर आदिश श्रीवास्तव ने कहा, प्रोत्साहित करने के लिए इस खूबसूरत मौके पर बचाऊंगा जोरदार ताली भाई, क्या बात है। डायरेक्टर अभी ये किसकी फोटो है? अरे ये आपको कहां से मिली? सर मेरा नाम आदिश श्रीवास्तव है। आज किस तरह का कार्यक्रम लॉन्च किया है? सर ये हमारा एक एल्बम है जिसके 3 गाने हैं, तो उस एल्बम का पहला गाना हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। क्या है गाना? गाने का नाम साजना है और एल्बम का नाम लाइफलाइन है। कितने कलाकारों ने इसमें हिस्सा? सर इसमें कलाकार करीब 8 कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और मैं आदिश श्रीवास्तव प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर और डायलॉग्स लिखे हैं, स्टोरी लिखी, सब मैंने लिखी है और बाकी कलाकारों ने इसमें अभिनय किया है। कहाँ कहाँ के सीन एल्बम? सर हम लोग ने इसकी शूटिंग आउटडोर लोकेशंस भी की है, हम लोग नेपाल में इसकी शूटिंग हमने की है और बाकी सारी शूटिंग हमारी गोरखपुर में हुई है।